नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। दिल्ली में डीजल का दाम अब तक के सबसे ऊपरी स्तर पर चला गया है। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को देखकर 16 अगस्त से ही पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसका नतीजा ये है कि लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। अभी केंद्र की सरकार पेट्रोल पर लगभग 19.5 रुपए और डीजल पर 15.5 रुपए प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। इस पर राज्य की सरकार अलग अलग दर से वैट वसूलती है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 से लेकर जनवरी 2016 के बीच में 9 किस्त में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। इस दौरान कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई थी। अभी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लोगों को एक लीटर डीजल खरीदने के लिए 73.73 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं पेट्रोल की कीमतों ने भी यहां पर पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते भी कच्चे तेल की कीमतों में बहुत तेज़ी देखने को मिल रही थी। इधर तुर्की में जारी आर्थिक संकट के चलते रुपए में भी गिरावट आई है। इसकी वजह से तेल कंपनियों को कच्चे तेल को आयात करने पर ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर कई बार सरकार की किरकिरी भी हो चुकी है। बावजूद इसके पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के बजाय महंगाई बढ़ ही रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।